हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर आओ मिलकर लीग जलाएं के अंतर्गत आओ करें 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं। ये आपको अभी हम CW में दे रहे हैं और उसके बाद उसको आपको HW में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। संज्ञा अथवा स्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये क्या है? सही है या गलत? सही है। जिन संज्ञा या स्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, है ना। तो ये भी क्या है? सही है। अगला है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तब वहां क्रिया का प्रयोग किया जाता है? नहीं, गलत होगा ये, है ना। वहां पर उत्तरावस्था हो जाती है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण का एक महत्वपूर्ण भेद परिमाणवाचक विशेषण है, ये गलत है ना। सार्वनामिक विशेषण का एक प्रकार जो है वो मतलब वो उसके कोई भी प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरावस्था में तुलना करते समय प्रत्येक तर जुड़ता है, तो ये क्या है? सही है ना। सेकंड वाले में तर आता है और लास्ट वाले में तम आता है ना। अब हम आएंगे आओ करे 8 में, है ना। ये हो गया आपका आओ करे 7। अब आओ करे 8 में देखिए, विशेषण की मूलावस्था से क्या समझते हैं? तो ये 87 नंबर का जो पेज है वो निकालिए, उसमें है मूलावस्था की परिभाषा। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया जाता है और उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जाती तो वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे आम का पेड़ उच्च होता है, रोहन बुद्धिमान लड़का है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में कोई तुलना नहीं की गई अपितु सामान्य विशेषण को बताया गया है, तो ये क्या कहलाया? विशेषण की मूलावस्था कहलाया। अब देखिए, उत्तमावस्था को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी 87 नंबर के पेज में देखिए, क्या है क्वेश्चन? उत्तमावस्था, यानी ये जो लास्ट वाला है ये है 88 पेज में, है ना। उत्तमावस्था, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं या प्राणियों में तुलना करके एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है तो वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। इसमें विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय तम जुड़ता है अथवा विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग करके किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है। उसके बाद जैसे उदाहरण में देखिए, देवदार उच्चतम वृक्ष है, राघव सबसे बुद्धिमान है, ये हो गया आपका उत्तमावस्था। अब देखिए आओ करे 9, है ना। आओ करे 9 में देखिए, विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेष लिखिए। मधुर संगीत, बुद्धिमान बच्चे, नीला आसमान, एक दर्जन केले, मीठा आम, हो गया। अभी है आओ करे 10, ये हमने एक बार और लिख दिए थे, ये आओ करे 10, है ना। ये हो गया आपका, ये गलत हो गया, यहाँ से 9, 12 लिख दिए थे हमने 10, है ना। आओ करे 10 में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टोकरी में थोड़े फल बचे हैं, ये क्या है? पूरी संख्या नहीं बताई है तो क्या होगा? अनिश्चित संख्या वाचक, है ना। फिर गगन बहुत परिश्रमी है तो क्या है? ये विशेषता बता रहा है उसकी, गुण वाचक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुलेखा ने 1 किलो मिठाई खरीदी, मतलब सही संख्या बताई गई है इसलिए निश्चित परिणाम वाचक। उसके बाद यह घड़ी मेरी है, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, ये हो गया आपका। अब आओ करे 10 हो गया, 11 में आ जाइए। 11 में देखिए, बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों को छांटकर उनकी अवस्था अनुसार सही स्थान पर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ निकटतर, मधुरतर, सरल, पवित्र, सरलतर, है ना, निकटतम, मधुर, सरलतम, पवित्रतम, पवित्रतर, निकट, मधुरतम। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो निकट, निकटतर, निकटतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सरल, सरलतर, सरलतम, पवित्र, पवित्र, पवित्रतम, ये हो गया। अब हम करेंगे आओ करें 12। आओ करें 12 में देखिए, रेखांकित शब्दों को निर्देश अनुसार बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, मोहन श्रेष्ठ बालक है, तो श्रेष्ठ की जगह उत्तमावस्था में क्या आएगा? श्रेष्ठतम। हिमालय उच्च पर्वत है, उत्तमावस्था ये भी है तो उच्चतम, उच्च का क्या हो जाएगा? उच्चतम। शीशम की लकड़ी आम से कठोर होती है, उत्तरावस्था तो कठोर तर। फिर वह मेरा प्रीतम मित्र है, प्रीतम
मूलावस्था में प्रिय, इसका उच्च मूल्य 50 रुपए है। उत्तम अवस्था तो उच्चतम आएगा, क्या होगा, उच्च का उच्चतम। ये हो गया आपके 12। अब हम कर लेते हैं मेरी बारी 2-3। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें ये हम कर लेते हैं मेरी बारी। बिल्कुल सरल सरल है, ये आपको सबको बुक में ही आपको भरना है। तो देखिए मेरी बारी 2 है ना, उसके बाद 3, मेरी बारी 2-3 और ये 4। ये तीनों क्वेश्चन जो है ये भी हम कर लेते हैं आज की, उसके बाद बाकी अगला बाद में करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन था इसमें मेरी बारी, ये जो बुक है आपकी मेरी बारी, उसमें आज समाचार पत्रों में भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, जंगल में आग, सुनामी, बिजली गिरना आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे। हाल में आई ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा से संबंधित समाचार पढ़िए और उसमें से 10 विशिष्ट शब्द चुनकर लिखिए। तो ये हमने कल आपको बता दिए थे। अब देखिए मेरी बारी 2, निम्नलिखित विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था लिखिए। उच्च, उच्चता, उच्चतम, है ना। ये हो गया मेरी बारी 2। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है दीर्घ, दीर्घता, दीर्घतम, दृढ़, दृढ़ता, दृढ़तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, श्रेष्ठतम, विशाल, विशालता, विशालतम, मृदु, मृदुता, मृदुतम, मधुर, मधुरतम, मधुरतर और मधुरतम, सरल, सरलतर, सरलतम, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम, पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम। ये हो गया। अब मेरी बारी 3 करेंगे हम, है ना। इसको भी CW में हम समझा दे रहे हैं, ये हो गया हमारा। अब आपको ये करना है, उसके बाद इसको भी प्लस HW में भी किसमें करना है, बुक में ही आपको भरना है। तो देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 विशेषण शब्द छाटिए और उनकी उत्तमावस्था लिखिए। सबसे पहले इसमें लिखा है सोनिया और मालती दोनों बहने, मालती सोनिया से ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का ज्येष्ठतम होगा, क्या होगा, ज्येष्ठ का ज्येष्ठतम, है ना, ये लग जाएगा ज्येष्ठतम, ज्येष्ठतम। उसके बाद है और उसका मृदु स्वभाव, तो मृदु का मृदुतम, वह बहुत मधुर गाना गाती है, मधुर का क्या हो जाएगा, मधुरतम। उसके बाद इस बार मालती को अपने विद्यालय में गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला, इस खुशी में सोनिया ने अपनी बहन को बहुत ही सुंदर उपहार दिया, तो सुंदर का सुंदरतम। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के माथे को प्यार से चूम लिया, आगे चलकर मालती एक महान गायिका बनी, महान का महानतम। तो इसमें क्या बनाना था, उत्तमावस्था बनाना था, है ना। तो सब में क्या आ जाएगा, तम 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 आ जाएगा, ये तम सभी में आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए मेरी बारी 4, मेरी बारी 4 में देखिए निम्नलिखित वाक्यों के विशेषणों की अवस्थाओं संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखना है, यह एक सरलतर प्रश्न है। तो यह एक सरल प्रश्न है। सेकेंड क्वेश्चन, गीता की आवाज सबसे मधुरतर है, तो गीता की आवाज मधुरतम है। ममता बहुत सुंदरतम लड़की है, तो ममता बहुत सुंदर लड़की है। विकास रवि की अपेक्षा प्रिय मित्र है, तो विकास रवि की अपेक्षा प्रियतर मित्र है। अन्य की अपेक्षा अमिताभ बच्चन श्रेष्ठ अभिनेता है, तो अमिताभ बच्चन श्रेष्ठतम अभिनेता है। उसके बाद देखिए मेरी बारी 5, आप अपने मोहल्ले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, खेल आदि का आयोजन किया जाना है, आप अपने कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सूचना पत्र बनाइए। सूचना पत्र जो है आप इसको बाद में बना लीजिएगा, है ना। तो आज हम कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं। इतना होमवर्क आपको सबसे छोटा छोटा है, सरल सरल है, इसको आपको बुक में भरना है, ठीक है। मेरी बारी 2-3-4 और इसमें आओ मेरे 7-8-9-10-11 और 12। तो धन्यवाद बच्चों।